कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर हो रहे विरोध में नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया सरकार का पक्ष रखने धर्मशाला पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि एयरपोर्ट विस्तार से जो भी विस्थापित होंगे उन्हें बसाया जाएगा तथा उन्हें फैक्टर 1 के तहत मुआवजा दिया जाएगा। एयरपोर्ट विस्तार से जिला कांगड़ा सहित प्रदेश की पर्यटन की दृष्टि से दशा और दिशा बदल जाएगी। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर हो रहे विरोध नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया सरकार का पक्ष रखने धर्मशाला पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि एयरपोर्ट विस्तार से जो भी विस्थापित होंगे उन्हें बसाया जाएगा तथा उन्हें फैक्टर 1 के तहत मुआवजा दिया जाएगा। एयरपोर्ट विस्तार से जिला कांगड़ा सहित प्रदेश की पर्यटन की दृष्टि से दशा और दिशा बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के चलते विस्थापित होने वाले लोगों के मुआवजे हेतु 660 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा। जो भी विस्थापित होंगे उनके लिए अलग से टाउनशिप विकसित की जाएगी। एयरपोर्ट विस्तार पर विपक्ष द्वारा लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ऐसे में सकारात्मक माहौल खड़ा करना अति जरूरी है। सीएम जयराम ठाकुर के पास पर्यटन को लेकर विजन है। एयरपोर्ट का विस्तार होने से उच्च घरानों के पर्यटकों का प्रदेश में आगमन होगा, जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी बढ़ेगा। इस अवसर पर धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया भी उनके साथ थे। मैं इसको मानता हूँ कि बहुत गलत किस्म की राजनीति की जा रही है। अभी एक केवल प्रपोजल आया है, अब केवल एक मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया कि वो चाह रहे हैं कि नूरपुर जो ये गग्गल का एयरपोर्ट है जो इसको एक्सपैंड किया जाए। अब गग्गल के एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने के लिए भी हमारे मानसिक ये है कि हमारा माइंड सेट ये है कि हम कांगड़ा में टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, एक बड़ा बोइंग यहाँ लैंड कराना चाहते हैं। अब उसको किस तरीके से नीचे इंप्लीमेंट करना है उसके लिए तो अभी प्रपोजल सारी खुली हैं, अभी तो कुछ फैसला हुआ नहीं। अब फैसला हुआ नहीं और उसके ऊपर एजिटेशन शुरू हो जाए, उसके ऊपर ये हो जाए हम उजड़ जाएंगे, हम भेजे जाएंगे, हम कंपनसेशन मिलेगी, हम तब भी नहीं करेंगे, ये सब एक भ्रम जो है। वहाँ पे जो सबसे बड़ा एरिया आ रहा है वहाँ पे कांग्रेस का विधायक है, वहाँ पे जिस तरीके से बात को रखा जा रहा है, हमारी जहाँ से विधायक है वहाँ पे तो केवल चार गाँव हैं, जो बड़ा एरिया जो है कांगड़ा में आता है। तो ये एक गलत जो प्रोपोगंडा यहाँ किया जा रहा है, उस गलत प्रोपोगंडा के काउंटर के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। हम बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ हैं, सरकार बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ है, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ओपन है इस मामले में कि जो सबसे बढ़िया कंपनसेशन, जो सबसे बढ़िया हेल्प लोगों को करके, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके उसके बाद ही एक्सपेंशन का प्रोग्राम शुरू किया जाए। नहीं, अभी तो मैंने आपसे कहा कि अभी तो प्रपोजल बन रहा है, अभी जब प्रपोजल फाइनलाइजिंग हुआ तो जानकारी भी हम किस बात की देंगे। अब तो केवल नाप नपाई हुई है, हमारी मंत्री वहाँ पे बैठी है, बड़ी कॉम्पिटेंट मंत्री हैं, वो इशू तो वो है ही नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी इसको एक 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 जिसको कहते हैं ना कि एक दाने के तिनके का एक पहाड़ बनाया जा रहा है, अब केवल प्रपोजल बना है, प्रपोजल अभी धरातल पे आएगा, जब वो प्रपोजल तैयार होकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा फिर हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेंगे, उसके बाद उसमें कई चेंजेस हो रहेंगे। अभी तो ये एक कदम भी हम नहीं चले, अभी एक कदम चलने के अलावा ही अब ये इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया। ये बताता है कि ये लोग कांगड़ा कितने हितेशी हैं, ये हिमाचल कितने हितेशी हैं, ये कांगड़ा विरोधी भी हैं, टूरिज्म विरोधी भी हैं और नौजवान के रोजगार विरोधी भी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये एक टूरिज्म का प्रपोजल है, एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रपोजल है और हिमाचल सरकार और भारत सरकार का ज्वाइंट वेंचर है। इसमें बहुत सी एजेंसी इन्वॉल्व है, इवन डिफेंस की नजर इस एयरपोर्ट के ऊपर है कि एमरजेंसी पर्पसेस के लिए उसको एक पठानकोट का अल्टरनेटिव बेस यहाँ पे डेवलप करना है, तो फंडिंग विल नॉट बी ए प्रॉब्लम। फंडिंग कई एंगल से हमें यहाँ पे मिल सकती है, पर विषय यह है कि पहले हम उसको एक धरातल में उतारने के लिए एक ब्लूप्रिंट तो तैयार कर लें। अभी कुछ प्लान हुआ नहीं है, अब केवल मुख्यमंत्री ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो यहाँ पे एक वाइड बॉडीड प्लेन को लैंड कराना चाहते हैं, उसके बाद उसके उनके केवल एक बयान के साथ यहाँ पे इतना बवाल खड़ा करने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो लोग कांगड़ा के हितेशी नहीं है, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो टूरिज्म के हितेशी नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट के हितेशी नहीं है, वो केवल इस कांगड़ा के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर, कांगड़ा का और हिमाचल प्रदेश के पर्यटन का कभी भी वो साथ देने वाले लोग नहीं है। उन लोगों ने लगातार 50-55 साल यहाँ पे राज किया, आज जयराम सरकार, जयराम ठाकुर इस मामले को उठाना चाह रहे हैं, कांगड़ा को बसाना चाह रहे हैं, कांगड़ा को आगे लेके जाना चाह रहे हैं और हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों की बिल्कुल जो है खंडन करते हैं, उनकी निंदा करते हैं।